ये कहानी आपको या तो कल्पना लग सकती है या वास्तविकता, लेकिन ये सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का एक लड़की दोनों मोहब्बत में थे, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक तरफा मोहब्बत से। लड़का बहुत चाहता था उसे, बात करने के बहाने ढूंढा करता था, होली हो दिवाली हो या कोई भी त्योहार, बिना उससे बात किए वो रह ही नहीं पाता था। बहाने से उसकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर दिया करता, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। उसका रिप्लाई आ जाए तो लड़के का त्योहार बन जाया करता था। वो थोड़ी थोड़ी बातें करते थे, जैसे लड़का 5 से 7 मैसेज कर देता था, उसके बाद लड़की को जब फुर्सत मिलती थी अपने सैकड़ों मैसेजेस में से उस एक मैसेज को भी वो रिप्लाई कर देती। लड़का जैसे हर वक्त ऑनलाइन बैठा रहता। उसकी माँ कहती, ये दिन भर फोन में ही लगा रहता तू, और कोई काम नहीं है? अब माँ को कौन समझाए कि किसी के मैसेज का इंतजार है उसे। अब यहाँ इंतजार बढ़ता गया और लड़की की तरफ से भी थोड़ा थोड़ा प्यार दिखना शुरू हुआ। उसे लगने लगा कि यार कोई है जो फिक्र कर रहा है। फिर एक दिन बातों बातों में ही लड़के ने कहा, नया साल मुबारक हो। वो दिसंबर के आखिरी कुछ ठंड के वक्त चल रहे थे जब लड़की ने कहा, पर अभी तो नया साल नहीं आया। हाँ, अब तुम रिप्लाई तो नहीं करोगी, इसलिए मुझे लगा कि अभी से तुम्हें नया साल विश करना शुरू करता हूँ। जिस दिन तुम जवाब दे दोगी उस दिन नया साल हो जाएगा। यकीन मानिए कि नया साल होने में 10 दिन बाकी थे, लेकिन लड़की ने कहा, तुम्हें भी नया साल मुबारक हो, और लड़के का हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो गया। उसके बाद से दोनों बातें करने लगे, ढेर सारी बातें होने लगी, और अब जब इंस्टाग्राम और फेसबुक से उन दोनों का मन भरने लगा तो एक दिन बात आई कि नंबर एक्सचेंज कर लें क्या। वैसे लड़का 2 या 3 बार बोल चुका था कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, लेकिन लड़की हर बार उसकी बात को इग्नोर कर दिया करती। एक दिन लड़की ने उसे अपना फोन नंबर दे दिया। उसके बाद से वो दोनों फोन पर बातें करने लगे। पहले कुछ सेकंड्स की बातचीत हुई, फिर कुछ मिनटों की, फिर कुछ घंटों की, और ऐसे बातचीत होते होते कब पूरा पूरा दिन निकल जाता दोनों को पता ही नहीं चलता था। जब दोनों मोहब्बत में थे ना, नई नई मोहब्बत में एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को, कुर्बान होने को तैयार रहते थे। पर मोहब्बत ना एक वक्त के बाद थोड़ी बोझ लगने लगती है। उन दोनों के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे वो घंटों की बातचीत मिनटों में आने लगी, मिनटों के बाद सेकंड्स में, और फिर तो ऐसा रिश्ता हो गया जैसे बस एक दस्तूर निभाना है और वो जरूरी है दोनों के लिए। बात होती, गुड मॉर्निंग, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जब वो दोनों अलग हो रहे थे ना, उस वक्त पे दोनों को एहसास हुआ कि शायद रिश्ता बचाया जा सकता था। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े नाजुक होते हैं। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलत फहमी रिश्तों को कहां तोड़ देती है पता ही नहीं चलता। और मोहब्बत की शुरुआत में हम इतने जोश में होते हैं कि हमें लगता है कि जो है सब कुछ यही है, तो फिर कुछ वक्त बाद वो मोहब्बत कम की हो जाती है। शायद लड़की का दिल कहीं और आ गया था या लड़के का दिल कहीं और आ गया था। ये बात कहानी को कहीं और मोड़ देगी, पर फिलहाल कहानी इस जगह पर पहुंची है कि दोनों अलग हो गए और दोनों की बातचीतें बंद। हर प्रेम कहानी के साथ यही होता है। शायद आपको ये सिर्फ कल्पना लगे, लेकिन असल में जब दो दिल टूटते हैं ना, तो दो दिलों की जुड़ने के वक्त जितनी मोहब्बत होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ होती है दो दिलों के टूटने पर। मोहब्बत कहना बहुत आसान है, करना भी बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल काम। तभी मुनीर नियाजी साहब ने कहा था कि जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। अपने रिश्तों की कदर कीजिए,
जो है पास उससे मोहब्बत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपके हिस्से में सिर्फ अफसोस आ जाए और आपकी कहानी भी हमेशा के लिए अधूरी रह जाए। ये कहानी वैसे तो कल्पना मात्र है, लेकिन आप इसे वास्तविकता से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास कोई ना कोई किरदार इससे मिलता जुलता ज़रूर होगा। शुक्रिया।